नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक डेड टीवी को रिपेयर करने जा रहे हैं, जो कि इसका जो प्लेट है चाइना किट है और ये पिक्चर ट्यूब जो है मॉनिटर नहीं है, वो पोर्टेबल पिक्चर ट्यूब है। और इसका जो किट है किट चाइना किट है, जो कि इसका आईसी का नंबर 6PR6 है और ये बिल्कुल डेड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ सीरीज लैंप में यहाँ इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं स्विच को ऑन करने के बाद में यहाँ जो बल्ब है 100 का, और ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो इससे मालूम चलता है कि जो ये टीवी है बिल्कुल डेड है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम पीछे का कवर खोल लेंगे। जो इसका पीछे का बॉडी है, बॉडी के जितने सारे स्क्रूप है सारे स्क्रूप को हम खोलकर इसको ओपन कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या क्या चेक करेंगे कैसे ठीक करेंगे, इसी के बारे में हम आज के वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों आप यदि नए इलेक्ट्रीशियन हैं, YouTube पर पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम प्लेट को सीधी दिशा में करने के लिए जितने सारे वायर है, वायर को निकालते वक्त ध्यान देना है कि कौन सा वायर कहाँ से हम निकाले हैं। और यहाँ ये जो है आपका पैनल का है और सेंसर का, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो ये कॉइल है, कॉइल जला हुआ नज़र आ रहा है, और जो फ्यूज है फ्यूज भी जला हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, किसके वजह से ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इसको जो मेन लीड है मेन लीड को निकाल लेंगे। और यहाँ पर इस वायर को सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन लीड है यहाँ पर हम मल्टीमीटर का लीड दोनों पिन में कनेक्ट कर दिए हैं, और कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहले हम सीरीज लैंप से में इस वायर को चेक करेंगे कि वायर तो कहीं से भ्रष्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ स्विच को ऑन ऑफ करने के बाद में बल्ब जल रहा है। तो इससे मालूम चलता है कि मेरा वायर भी सही है और जो फ्रंट का स्विच है मेन स्विच वो भी सही है, और आगे प्लेट में कोई ख़राबी है, यहाँ पर फ्यूज भी उड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्यूज को चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूज भी उड़ा हुआ है। तो इससे मालूम चलता है कि आगे कोई फॉल्ट है। देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीमीटर शो कर रहा है, मल्टीमीटर को इस तरह से शो करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम प्लेट को सीधी दिशा में कर लेंगे इस तरह से, और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखकर हम 18032 ट्रांजिस्टर जो होता है मेन पावर सप्लाई का, ये तीनों पिन को हम बारी बारी से टेस्ट कर लेंगे कि तीनों पिन मल्टीमीटर में शॉर्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं तीनों पिन पलटने के बाद में ये जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बोर्ड से जो पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है इसको ओपन करके हम बाहर निकाल कर इसको फिर से चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम डाइसोल्डिंग पंप से इसको निकाल कर और इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं कितने नंबर का ट्रांजिस्टर है। और ये चाइना किट में अक्सर 18002 ट्रांजिस्टर आता है, और इसका नंबर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को बारी बारी से तीनों पिन पर हम हेर फेर करके टेस्ट कर लेंगे, और इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांजिस्टर तो चेक कर लिए, उसके बाद में बोर्ड को हम यहाँ से चेक कर लेंगे। इस तरह से तीनों पिन जो है शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। देख रहे हैं धीरे धीरे कांटा जो है नीचे गिर रहा है, और इधर से चेक करने के बाद में कंटिन्यूटी थोड़ा सा बतलाएगा, पूरा नहीं गिरेगा। देख रहे हैं इस तरह से
तो इससे मालूम चलता है कि जो पावर सप्लाई है बिल्कुल सही है और ये 5038 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है और उसके बदले में हम 1802 नंबर का ट्रांजिस्टर इसमें लगाएंगे, जो कि ये ट्रांजिस्टर सेम है और ये भी सेम है C5337। और ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले हम यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट लगा लेंगे ताकि जो ट्रांजिस्टर है मॉस्फेट बार बार मरता है तो इसके वजह से वो ट्रांजिस्टर को सेफ्टी रखता है, ठंडा बनाए रखता है। इसके वजह से हम यहाँ पर कंपाउंड इस पर लेप कर लेंगे और ये 1802 जो ट्रांजिस्टर है इसको हम इस तरह से कस के और अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए इसको हम अच्छी तरह से इसको कस लिए हैं और उसके बाद में तीनों पिन पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है और उसके बाद में आगे और देखेंगे क्या खराबी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तो सोल्डिंग कर लिया और यहाँ पर पतला सा एक वायर लेकर जो फ्यूज है दोनों पॉइंट पर हम इसको जम्फर कर देंगे। ये फ्यूज का भी काम करने लगेगा, कोई भी शॉर्ट होगा तो फ्यूज मार देगा। तो चलिए यहाँ पर हम वायर को सोल्डिंग कर दिए और उसके बाद में हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि जो मेरा प्लेट है सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन वायर है, मेन लीड, ये जो देख रहे हैं ये पैनल का केबल है, यहाँ पर पैनल और सेंसर का केबल हम लगा लेते हैं और साउंड वाला बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सीरीज में लगाकर बोर्ड को चेक कर लेते हैं कि मेरा बोर्ड जो है सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेन वायर जो है लगा दिए और ये सीरीज लैंप है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर सीरीज लैंप में लगाने के बाद में फिलामेंट जल के और ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद में हम 110 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे कि एसटी पर 110 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि 110 वोल्ट सप्लाई मिल गया तो समझ लीजिए कि जो बोर्ड है बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 1 ohms का रेजिस्टेंस डालकर यहाँ पर भी 110 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम अब चेक करेंगे, जितने सारे वायर है वायर को लगाकर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो का केबल है, इसमें लगा लेता हूँ और यहाँ मेन बोर्ड है। तो दोस्तों देख रहे हैं इंडिकेटर जलने लगा और पिक्चर भी दिखा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।